अभी गुड मॉर्निंग है, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छोटे बड़े सारा प्यार बड़ों को पैरी बोना जी। हैप्पी थर्सडे, आज है थर्सडे, मेरे बाबा जी का डे। और आज मेरी बेटी की छुट्टी है, थर्सडे इसको ऑफ हुआ करेगा। और बेटा भी आज घर पे है, तो आरव कह रहा है आज हम करेंगे चीट डे, क्योंकि बाहर का खाता नहीं। मैं तो बहुत खाती हूँ, आपको पता ही है। और आज पता नाश्ते में क्या लेकर आए हैं, भटूरे छोले और सांभर वड़ा। देखो मेरे तो मतलब मजे ही आ गए। और आप मानेंगे नहीं, ये लोग नाश्ता लेकर आए ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है देख देख के ना, सामने छोले पड़े हैं। तो ये लोग नाश्ता लेकर आए हैं और मैंने फटाफट सारा काम निपटा लिया, बस मेरा नहाना रह गया। और ये देख रहे हैं आप, रात को मैंने कम से कम किलो तेल सर पे लगाया हुआ है, कोकोनट ऑयल वाला जो मैंने आपको दिखाया था अनियन डाल के। तो हेड वॉश करना है और कम से कम 2-3 बार शैम्पू करना पड़ेगा, वरना तेल जाएगा नहीं। तो ये देखिए नाश्ता, गाइस ये देखिए बाजार के छोले, एंड आई लव इट। मैं भी बनाती हूँ ना घर पे, कुछ कुछ ऐसे ही होते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं होते बट कुछ कुछ ऐसे ही होते हैं। और ये है सांभर, इसमें है वड़े, और इसमें क्या है, डोसा, डोसा नहीं, इसमें भटूरे। और ये अचार, ओहो ये अचार प्लीज कोई मत खाना, अचार मत खाना, अचार मेरे छोड़ देना, पता नहीं। ये है हमारा नाश्ता। अभी पाइपलाइन टूट गई, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये देखिए जितना मर्जी अपना काम जल्दी कर लूँ, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आनी आनी है। ये देखो आपको ये पाइप दिख रहा है, ये देखिए ये पाइप पूरा यहाँ पे जॉइंट होता है जो वॉशिंग मशीन से कनेक्टेड है, ये पूरा टूट गया। ये देखो ये दोनों भाई मस्ती कर रहे थे, टांग लगी क्या हुआ गॉड नोस, ये पूरा यहाँ से टूट गया। अब ये कटेगा, नया लगेगा, ये हिस्सा चेंज होगा पूरा और वो स्टार्ट होगा। अभी प्लम्बर आएगा और ये चेंज किया जाएगा यहाँ से, जो वॉल्व टूट गया पूरा आ गया। ये भैया पूरा चेंज होगा ना इधर से वॉल्व के साथ, नहीं ये खुल तो फिर लग जाएगा उसमें, ये वाला पीछे वाला चेंज होगा, ये वाला हिस्सा खराब है, ये वाला पटके। तो उसके ऊपर तो सीमेंट किया हुआ है, तो वो क्या होगा फिर, ₹195 हो गए ना, 195। प्लम्बर वाला भी अपना काम कर गया और 1 घंटा मुझे लग गया प्लम्बर के साथ सारा करके, सफाई सफुई करने में। और मैं नहा धो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ बाजार। साड़ी रेडी हो गई है, ब्लाउज रेडी हो गया, लेकिन जाने का टाइम नहीं है। 3 बार कॉल आ गया कि आप आके लेके जाओ, तो थोड़ा सा बाजार का भी छुटका पुटका काम है वो करते हैं और जाते हैं बाजार, और फिर देखते हैं कितनी देर में आते हैं वापसी और क्या क्या लेकर आते हैं। गाइज ये देखिए ये पाइप पूरा जॉइंट है ना, यहाँ से कट गया था, ये पूरा नया लगा है, ये वाला हिस्सा भी पूरा नया डला है, ये पूरा नया लग गया। और ये भी सूंघता हुआ आ गया कि मैंने क्या हरकत की है, बताऊँ तेरे को मैं, पीछे जा तू बांदर जाना हो तो लड़का। हम सारा सामान लेकर बाबा जी के मंदिर पहुंचे हैं और मैं धीरे इसलिए बोलूँ क्योंकि मंदिर पूरा खाली है। ये देखिए सन्नाटा एकदम, ये देखिए मंदिर की सफाई कर रहे हैं अंकल जी, बैठे बैठे झाड़ू लगाते हुए गप्पे मार रहे हैं और मंदिर एकदम खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल सुनसान। ये देखिए बहुत टाइम पर आ गई हूँ मैं, तो चलिए करते हैं बाबा जी के दर्शन। साई राम जी तू आगे होगी ना, मैं ब्लॉग बनाऊंगी तू आ जाएगी। जय साई राम जी, जय साई। ये देखिए बाबा जी की मूर्ति, पूरा मंदिर खाली पड़ा हुआ है। साई राम पंडित जी, हेलो गाइस, सब बढ़िया भाई, मंदिर बड़ा खाली खाली है, मंदिर खाली खाली, लोग मार्केट में घूम रहे हैं शॉपिंग। ये देखिए गाइस पूरा मंदिर खाली है, इधर भी बिल्कुल खाली पड़ा है। सीजन का टाइम है, मंदिर कैसे खाली है। फाइनली मैं घर पहुँच गई मंदिर से और प्रसाद में आज चढ़ाया है डोडा, माई मोस्ट फेवरेट, दिखाती हूँ, ऐसे नहीं दिखेगा। गाइज ये देखिए प्रसाद में डोडा चढ़ाया है और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और बाकी ये घर का सामान मैं लाई हूँ, बिस्किट्स बच्चों के फेवरेट जो होते हैं, ये हैंड वॉश है, ये हाइड एंड सीक बिस्किट हैं जो बच्चे खुश होकर खाते हैं, बाकी दाल वाल चावल हैं और बस और कुछ नहीं, घर का ही सामान है बाकी सब। गाइज मंदिर हुआ है, दिन में ही काम निपटा लिया, साड़ी अभी नहीं मिली है, ब्लाउज मिल गया है, पेटीकोट अभी नहीं लाई हूँ, तो ये छोटे मोटे काम रह गए हैं, नेल पेंट वगैरह सब रह गया, अभी कुछ नहीं हो पाया, टाइम की शॉर्टेज थी, तो वो मैं बाद में ले आऊँगी, अभी है 4-5 दिन, तो फटाफट पहले मैं खाना खा लूँ सांभर के साथ, तो खाना खा के फिर मिलती हूँ। फाइनली लंच हो गया हमारा और पेट हो गया एकदम फुल, तो ग्रीन टी बना लिया और अब जा रही हूँ मैं बच्चों को पढ़ाने, क्योंकि बच्चे आना शुरू हो गए हैं, 5 बज गए हैं, तो अब मिलेंगे आपसे तसल्ली से शाम को खाना बनाते हुए। बच्चे पढ़कर गए, ओहो कितनी लाइट पड़ रही थी, बच्चे पढ़कर गए और अभी टाइम हो रहा है 8:30, आज भी बच्चों को छुट्टी करते करते काफ़ी लेट हो गया। ये दोनों बदमाश गए हैं बाजार से सामान लेने, मैं आपको बताऊं, मैंने खाना बनाना था बट मेरे हस्बैंड का आज मन कर रहा है कुछ बहुत अच्छा और चटपटा खाने का, तो उन्होंने बोला कि आज घर पे मत बनाओ, बाजार से लाओ, क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा घर का खाना खाने का, वाकई बड़े चट हो रहे हैं यार हम लोग। तो बच्चे गए हैं, देखो क्या लेकर आते हैं, तब तक मैं रूम समेटती हूँ फटाफट, कपड़े कल के धुले पड़े मशीन में वो मैं डाल दूँ। और आज मुझे ना आपको एक और बड़ी अच्छी फेस पैक और बालों के लिए एक रेमेडी बताने का टाइम ही नहीं लगा, सुबह बाजार चले गई, मेरा भी काम आधा ही हुआ है क्योंकि लेट हो गया ना, मैंने आपको बताया था बकरी ने पाइप तोड़ दिया था, तो 1 घंटा तो प्लम्बर के साथ लग गया,
और कल भी किचन में कुछ वो पुट्टी वुट्टी भरनी है उसे ज़मीन में कुछ हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाइप में प्रॉब्लम की वजह से नीचे आंटी के फ्लोर पे सीलन आ गई है ऊपर दीवार पे, तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी का कोई भी नुकसान हो, तो अगर प्रॉब्लम हमारे यहाँ से हो रही है तो हम उसको ज़रूर ठीक कराएंगे। तो कल वो आएगा तो डेढ़ दो घंटा उसको तब लग जाएगा। तो चलिए अभी मैं कुछ चाय कॉफ़ी बना लूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बच्चे आ गए और बच्चे हमारे इतने चटोरे लेकर आए हैं, बटर चिकन और रुमाली रोटी। ये देखिए बटर चिकन मैंने अभी दोनों को डाल के दिया है, तो ये देखिए बाकी का। तो आज तो खाना बनाने की हो गई छुट्टी, तो बटर चिकन और रुमाली रोटी। गाइस कल आपसे टाटा बाय बाय हुई नहीं, इसलिए अब मैं ब्लॉग को एंड करने लगी हूँ। एक्चुअली कल आरव ने फ़ोन ले लिया और वो फ़ोन में पता नहीं कौन सी वीडियोज़ लगा लगा के एक्सरसाइज करता है, तो फ़ोन मेरे पास था ही नहीं, इसलिए मैं आपको गुड नाइट बोल ही नहीं पाई। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30। आज मेरे हस्बैंड गए हैं फाइनली आरव को छोड़ दे, तो मुझे टाइम मिल गया, फटाफट काम शुरू कर दिया। आँख खुलते ही हमारा जो गुड मॉर्निंग रूटीन है वो शुरू हो जाता है। और ब्रूनो अपनी जगह पे बालकनी में बैठा और वो देख रहा है मेरी तरफ कि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है सुबह सुबह, तो इसको पता चल जाता है। और सुबह सुबह आप हमारी हालत देखिए कैसी हो रही होती है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग को एंड करूँ, क्योंकि एंड के बिना ब्लॉग एडिट होगा नहीं। बट पहले ये देखिए आज हमारी गली के बाहर फिर कुछ टेंट वेंट लगने की तैयारी हो रही है। आइए दिखाऊँ गाइस। ये देखिए यहाँ मैंने पाइप ऑन कर दिया और मशीन में कपड़े धुलने शुरू हो गए हैं। तो ये काम तो सुबह सुबह ही निपट जाएगा। अभी सर्फ डाला और पानी भर रहा है उसके अंदर। और ये देखो इसको बालकनी में कितना मज़ा आता है, ये आराम से बैठ गया बालकनी में। ब्रूनो ओए ब्रूनी, आरव कहाँ है? ब्रूनो आरव कहाँ है? आरव 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 कहाँ है? ये देखिए अब यहाँ पर ये टेंट लग रहे हैं, आप देख रहे हैं डंडे लगा दिए गए हैं। अब क्या है यहाँ पर आई डोंट नो, मुझे कुछ पता नहीं है अभी। और मुझे नहीं लगता कि कूड़े वाली गाड़ी आ पाएगी, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो कूड़े वाली गाड़ी तो यहाँ पे आ ही नहीं पाएगी आज, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारे अभी टेंट वेंट का सामान पड़ा हुआ ये लगना, अब क्या है वो प्रोग्राम आई डोंट नो, वो तो जो भी होगा मैं आपको बताऊँगी। हमारे एरिया में टेंट वेंट लगते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो बड़ी रौनक लगी रहती है। तो चलिए अभी इस रौनक के साथ मतलब क्या होता है वो तो मुझे बाद में पता चलेगा जब मैं नीचे उतरूँगी। तो अभी मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। बस फिंगर क्रॉस लाइट ना जाए, क्योंकि सुबह 6 बजे से उसका रूटीन शुरू हो जाता है। और सेम भैया मैं 11 बजे तक सारा काम वाम फटाफट निपटा लूँगी, कि अब उठी गई हूँ तो कर ही लेती हूँ। और फिर उसके बाद एक झपकी तो बनती है, सारा दिन आराम नहीं मिलता। और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ सुबह का नाश्ता करते हुए या चाय पीते हुए, चाय तो मेरी चलती रहती है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। हम लोग हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेट कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।